बार समान के लाख चलाक माखवा
दूधेर का अपने कुछ है ना थोड़ी बुकाल का दूधेर है ठीक है ना अरे आड़े ना पास रहो रही है भैया हाँ चल भैया सभी दर्शकों को बता दूं ये सेकंड राउंड का लास्ट मुकाबला है लास्ट राउंड का मैच मैदान पर चल रही है और एक तरफ जवाना का ग्राउंड है जो कि खिलाफ का जर्सी यानी कि और एक पोस्टर में नजर आ रहा है और फील्डिंग के लिए और ये जो मैच आप सब देख रहे हैं हालांकि देखना होगा यहाँ पर स्टार यानी कि सितारा संजय कपड़े यहाँ पर बॉसेट हालांकि बॉसेट मुर्मू का दबाव करेंगे एरिया का सबसे दबाव स्टार खेल के रूप में माना जाता है हालांकि सुमित जैसे खिलाड़ी निखिल जैसे युवा दासो जैसे चर्चित युवा टीम में गिरा हुआ है कप्तान सुनील सुमित अच्छे पे पांच यहाँ निखिल संजय के लिए विकास बहुत बेहतरीन ब्लॉक यहाँ पर डिफेंडर सुशील सुशील के दरबार को तो इस मुकाबले में अब तक एक गोल कर चुके हैं सुशील के इसको लेकिन पर अच्छी है ना अच्छी कपड़े के पर राजू के द्वारा राजू का ब्रेकफास्ट यहाँ पर जगत के लिए जगत टीम के कप्तान एफ एफ सीमा को अभी तो वही टीम में एक कॉन्टेक्ट वाली मुकाबला का खेल देख रहे पिछले मुकाबले में दरबार को एफ एफ सीमा को जूनियर एफ सी जमशेदपुर जैसे दमदार के खिलाफ और यहाँ पर सिर्फ करने का मौका गौरा चरमानी हालांकि गौरा चरमानी एक मौजूद है बहुत ही गजब का शॉपिंग लगा लेते देखना होंगे यहाँ पर शॉट ठीक लगा था लेकिन दूसरी सुंदर यहाँ पर रंजीत रंजीत स्पीड जो है यानी कि उनके जो गियर बदलने का जो पदरेखा है वो आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पर गियर को बदल रहे यानी कि इस तरह बड़े झपकते शॉट से रक्षक को लगा रहे हैं वही भी अच्छे चीज डाउन यहाँ पर निखिल राजू का फिर पास यहाँ पर डिफेंडर जगत यहाँ पर अच्छे और पास से बदला चल बलराम पाकर के लेके पर दासो दासो का बैक पास राजेश की राजेश लगभग यहाँ पर गेंद अपने बाल पर निकल रहे आस पास चिन्ह में कभी आप दासो यहाँ पर दीवान का बना लेंगे और इसका संग अपने के पास यहाँ पर रंजीत के लिए रंजीत लेके पूरे छिने छपने जा रहे लेकिन यहाँ पर गेंद चिन्ह में कभी आप होते हैं पर पहुंचे दोनों ही टीम में एक से बढ़कर एक है फिर के दरकास की तरह खिलाड़ी मौजूद हैं हालांकि यहाँ पर देखें हम कौन से दरकास आज पूरी तरह से निशाने पे लगाएंगे यानी कि सीधे गोल टारगेट पे यहाँ पर गेंद को पोस्ट में डाल पाएंगे इस तरह का मुकाबला है मेरी अब फिर से यहाँ पर मौसम के लिए वेट नेशनल खिलाड़ी के रूप में माना जाता है खेल के लिए अच्छी मौका था यहाँ पर दासों तो से आगे निकल जाए लेकिन क्रॉस बहुत बेहतर था फिर से लफ्टर शॉट मंगला का अच्छी गोल के लिए लेकिन थोड़ी सी गेंद दस्तान से गिरा के और पहले हाफ का खेल में यहाँ पर बराबर की स्थिति बन रही चलता हुआ इसलिए मैं हूँ कमेंटेटर विश्वनाथ वर्मा
काफी सारे गणमान्य व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और चलिए बार बार ये सूचना भी दे रही है सभी जो हमारे दर्शक है, जो नेट को जो खींचा गया है मैदान के चौराहे और लेन और फुटबॉल लेन को प्ले करने के लिए, कुछ कुछ दर्शक जो है नेट में हाथ खोले हो रखे हुए हैं, कुछ दर्शक जो है पूरी तरह से उसको सपोर्ट लेकर के खड़े हैं, यानी कि दबाव हाथ से पूरी तरह से दबा रहे हैं। तो मेरे विचार से आप लोग थोड़ी सी डिस्टेंस बना कर रहे तो बेहतर रहेंगे। बहुत ही अच्छी क्रॉस यहाँ पर चौका चौका लगाने का प्रयास अपन द्वारा चल रहा है, हालांकि तो अभी टीम के अंदर बात करें तरफ सुशील बिस्ट को अनुभव खिलाड़ी तो अभी विशुद्ध कर लिया टीम मारी है थोड़ा चल शॉट भी बहुत बेहतर था, लेकिन अपनी सुंदरता पर और गेंद को मिले थे नम कमियां और गोल की किनों के यहाँ पर मौका लेकिन गोरा चल तो मारी भी टीम से फोड़ता के तुम से खेल चुके हैं, सुशील बिस्ट को भी टीम से फोड़ता से खेल चुके हैं। फिर अब तक इस मैच में अगर देखा जाए तो एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बन चुकी है, तो कहने की कहा जाता है कि फुटबॉल की दुनिया में कोई दोस्ताना या कोई भाईचारा नहीं होती है, बल्कि खेल में खेल के भावना से कराया जाता है, एक दूसरे की कमजोरी को जानते हैं, एक दूसरे की मजबूती को जानते हैं, और विदेश को यहाँ पर तराशना होगा, कमजोरी को ढूंढना होगा यहाँ पर दोनों ही टीम के खिलाड़ी जो आप दोनों ही टीम इस कमजोरी कड़ी को बिल्कुल यहाँ पर फेस नहीं करना चाह रहे हैं। देखना है इस मुकाबले में दीवाना कुमार राणा भी फिरता हल्का मचा हुआ इस पूरे मैदान पर, वही विपक्षी दल एफएफसी मांगो ये भी इस मैदान पर से कमर कस चुके हैं इस मुकाबले के लिए। अभी भी देखना होगा यहाँ पर दोनों ही टीम में इस मुकाबले में एक दूसरे को मात देने का प्रयास करता हुआ, तो कहा जाता है कि जब दो फोकस चल रहे आपस में फिरते हैं तो बाकी पशु पक्षी जीत हो जाते हैं, यानी कि आपको देखना होगा कौन से बफर से होते या कौन सर्कस का से होते इस तरह का यहाँ पर मैदान मैदान खेल के दोनों की टीमें के आला दर्जे की टीम है, एक राजा मगर तो आधा अध्याय तक बैठे हैं भी खड़ी होगी अच्छी प्लेयर है चपन निखिल का अच्छी रिसीव भी, लेकिन रिसीव भी बहुत ही बेहतर है उसके पास सही से कुछ पास को निकल पाए, हालांकि दाएं चौक पर दर्शकों के लिए डालते तो निश्चित रूप में मौका और ढूंढा जा सकता था, तो यही होता है कि यहाँ पर दोनों ही टीम के लिए इस मैच को देखना रहा कि आग के दरिया को पार करने के बराबर हो जाए, इस तरह का ये मुकाबला है। चलिए यहाँ पर दर्शकों ने जिस तरह से चेंजर जोशी के विकेट को खतरे से बाहर करने का प्रयास करता हुआ, चलिए यहाँ पर दोनों ही टीम में फाइनेंशियल की अगर बात करें एक तरफ रविंद्र मानिक एफएफसी मांगो के लिए टीम के लिए फाइनेंस किया है, वही दीवाना का ब्रांड देकर बात कर तो सुने चले रंजीत यहाँ पर बहुत बेहतरीन शॉट है, दर्शक शॉट के लिए जाने जाता है अक्षय सर का मौका को गवाना, यानी कि अपने फसलों पर भगवान ने हम सभी को पूरी तरह से हीरा बनाया जो जितने चमकेंगे, यानी कि जो यहाँ पर हीरा ज्यादा जितने घिसेगी वो अच्छी यहाँ पर मौका बनता है जीत के प्रयास, लेकिन बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर गेंद है जीतने में समय बहुत और पास उसे तो सिर्फ डिस्को के अगर बात करें तो चार लोगों ने मेरे पूरा यहाँ से भी लोग रहते हैं और रिलेवे में उनका जॉब हो चुकी है, यानी कि मेरी तो समझ चुके हैं एक समय सुशील की अगर बात करें तो बहुत ही आला दर्जे के खिलाड़ी के रूप में बनेगा सरकट का अगर जादू वगैरह बात करें या बीच में पॉटका की अगर बात करें ऐसे बड़े बड़े तालाब से उनके खेलने का रिकॉर्ड है, यहाँ पर
प्रयास करती है हमारे राजेश ऑपरेटर हैं, एक एक वीडियो को कैप्चर करता हुआ और इस लाइव मैच का आप लोग यूट्यूब के माध्यम से यानी कि फुटबॉल रूसी का यूट्यूब चैनल पर जब आप मैच को देखना चाहेंगे रूसी का टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगी। इसलिए हमारे यूट्यूबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा राजेश किस्को को फुटबॉल रूसी का के लिए और इस तरह के यूट्यूबर जब जब बड़ी टूर्नामेंट में आते हैं तो बेहतरीन दर्शकों के साथ साथ खिलाड़ियों को भी खेलने का जो ऊर्जा फुर्त से बढ़ जाती है। चलिए पर बोला चांद मुझसे अलग टेक्निक आजमाने का प्रयास करता हुआ सुमित देखिए यहाँ पर ये चित्र के मैं होता हुआ अभी तक सुमित के पैर पर गए देखिए राइट पर पता सौ भी लेता सौ का छिप छिप यहाँ पर बहुत ही गजब शॉटिंग लिया गया लेकिन शॉटिंग में किस तरह का पावर है और इस तरह से यहाँ पर दीवाने क्लब रोने की युवा खिलाड़ी दासो अभी इस मैच में दीवाने क्लब रोने की थोड़ी सी राहें काफी मुश्किल से लग रही है लेकिन देख रहा हूँ यहाँ पर इस गोल स्कोर को कहाँ तक बढ़ कर रख रहा है यहाँ पर एक फिर से वहाँ को लेकिन दीवाना क्लब रोने की यहाँ पर दोगुने जो उसके साथ में होगा अच्छी तालमेल बनाना होगा अच्छी टीम के साथ मैदान पर मैदानी खेल में सुधार लाना होगा प्रत्येक टीम को यहाँ पर वापसी मिल पाएगी और मैदान के भुवनेश्वर में अच्छे तालमेल यहाँ पर सुशील दशरथ के साथ चलिए देख करके बता दो सुशील इस मैदान पर मांगों की टीम से फाइनल भी खेल चुके हैं यानी कि आप इस मैदान पर देखा जाए तो सुशील एफएफसी मांगों के खिलाफ प्रतिद्वंदी बन चुकी है लेकिन देखना होगा पर निकास लेकिन निकास अच्छी यहाँ पर मैच पर सुशील के लिए लेकिन सुशील लेकिन यहाँ पर मौका बन रहा है से मांगो के लिए यहाँ पर मुश्किल है काफी मुश्किल सी लग रही है तो कहा जाता है फुटबॉल की दुनिया में तारों में अकेला चैंपियन हो जाता है तारों में अकेला चैंपियन हो जाता है मुश्किल की घड़ी में इंसान जब हो जाता है नाटो भरी घटना बड़े दो क्योंकि चाटों में अकेला गुलाब मुश्किल आता है और इस बात यहाँ पर साबित करना होगा यानी कि यहाँ पर दीवान का रहने ही लेकिन दीवान का रहने ही बहुत बेहतरीन फिर से दासों के लिए मौका रिसीव करना चाह लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गेंद को दिशा देते तो बिल्कुल यहाँ पर मौका बन सकता था दीवाने का रन के लिए तो वन का मैच में एक या दो या तीन मौके आपको ओपोनेंट का लगने का मौका मिलेगा अगर उस मौका को लाएंगे तो फर्स्ट टाइम का रन के बाद फील्डर वो ही होता है यहाँ पर दीवाने का रन के लिए ये मैच के मैच में जितने भी हमारे दोस्त दर्शक हैं आप लोग वहां से थोड़ी समझ जाएंगे क्योंकि महिला दर्शक ले जड़े अब रोन ठीक है मतलब नौका दे बाय चुरू या बोलो सीसो हम जब हमारे बारे में महिला दर्शक हैं आप को समझ